तो हेलो फ्रेंड, देखिए हमारे पास एक MTR चार्जर आ चुका है MTR नाम से, और ये LG 3500 है जो सैमसंग में लगाया जाता है, और इसकी PCB बिल्कुल डेड हो चुकी है। आज हम इसमें एक नई PCB इंस्टॉल करेंगे और चार्जर को ओके कर देंगे। तो आइए हम लोग इसमें सबसे पहले एक PCB को इंस्टॉल करते हैं। इसके मैन तारों पे अच्छी तरीके से सोल्डिंग करने के बाद हम PCB को लगाएंगे। PCB के ये दोनों मैन तार हैं जो हमारे सॉकेट में लगते हैं। ये हमारे सॉकेट में लगने का प्लग है और इसके पीछे से ये दो तार होते हैं। इसको हम PCB में लगा देंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारा चार्जर ओके हो जाए। तो हमने एक तरफ एक टाका लगा दिया है, दूसरी साइड एक टाका लगा देंगे। देखिए ये हमारा दूसरा भी टाका लग चुका है, अभी नहीं लगा, फिर से लगाते हैं एक बार, छूट गया है क्योंकि सोल्डिंग सही नहीं हुई है। सबसे पहले हम सोल्डिंग करते हैं इसमें। सोल्डिंग करने के बाद ज़्यादा अच्छा टाका लग जाता है, तो सोल्डिंग लगाने के बाद टाका लगा लिया है। और अब हम इसके AC लगा चुके हैं, हमारी DC जो मोबाइल में पिन लगती है, इसको भी हम सोल्डिंग करके और टाँके लगा देंगे, जिससे कि हमारा चार्जर वर्किंग में आए। तो देखिए इस पर सबसे पहले सोल्डिंग करने के बाद इसके तारों को थोड़ा छोटा कर लेंगे, जिससे कि ज़्यादा बड़े तार होने पर दूसरी जगह सोल्डिंग टच हो जाती है। तो हमने ये लीड के तार दो लगाएंगे DC पर। ये हमारा कंडेंसर DC है, DC कंडेंसर है, तो हम इस पर प्लस माइनस देख कर के ही सोल्डिंग लगाएंगे। ये हमारा माइनस का हो गया है और ये हमारा बिल्कुल कोने की साइड में ये प्लस पॉइंट है। और अब हम इसको चला करके देखेंगे बोर्ड की साइड में। देखिए ये हमारा बोर्ड है और इसमें हम लगाएंगे। देखिए हमारा चार्जर ओके हो गया है, LED भी ग्लो कर रही है। और आइए हम आपको मोबाइल में चेक करके दिखाते हैं। ये हमारी चार्जर की लीड है और इसको हम ओके चला करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा चार्जर है, देखिए हमारा मोबाइल चार्जिंग में आ चुका है। देखिए हमारा चार्जिंग होने लगा है, अभी 2% है बिल्कुल ही। और अब हम इस चार्जर को फटाफट से बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद में एक बार और चेक कर लेंगे, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारा चार्जर ओके है। तो देखिए अब हम फिट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए हमने अपने चार्जर को अच्छी तरीके से फिट कर लिया है, और फिट करने के बाद में अब हम बोर्ड में लगाने के बाद में इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हमारी चार्जर की लीड है और मोबाइल में लगाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो देखिए हमारा चार्जर ओके हो गया है और चार्जर से ही हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। देखिए 3% हो चुका है, अभी 2% था, अब 3% हो चुका है, अच्छी वर्किंग में है। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें।